अल्लाह ने कुरान में सूरह तौबा के अंदर फरमाया, लकद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। ओ लोगो, तुम्हें हमने ऐसा रसूल दिया है जो तुम ही में से है, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम, तुम्हारी तकलीफ मेरे नबी को गवारा नहीं है। तुम्हें तकलीफ पहुंचे, तुम्हें परेशानी हो, ये मेरे नबी को गवारा नहीं है। वो तो तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहते हैं, वो तो तुम्हारा भला करना चाहते हैं। मेरे नबी ने कदम कदम पर अपनी उम्मत की तकलीफ का ख्याल रखा है। मिसवाक आपको बड़ी पसंद थी, आखिरी टाइम भी आपने मिसवाक किया है। आप चाहते थे कि अपनी उम्मत के ऊपर मिसवाक को कंपलसरी कर दें, मगर आपने नहीं किया। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, लौला अन अशुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ले सला, मेरी उम्मत को अगर परेशानी ना होती तो मैं मिसवाक को हर नमाज के टाइम जरूरी कर देता। मेराज का वाकया याद कीजिए, 50 टाइम की नमाजें अल्लाह की तरफ से इस उम्मत के ऊपर फर्ज की गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में मिले, कहा कि आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, बहुत भारी पड़ेगी 50 टाइम की नमाज, जाइए अपने रब से तकफीफ करवाइए। मेरे नबी को पढ़ना होता तो 50 पढ़ लेते भाई, मेरे नबी तो रात रात भर नमाज पढ़ते थे, कौन सी बड़ी बात थी। तकलीफ उम्मत को थी, एहसास उम्मत का था। अल्लाह के प्यारे नबी बार बार अपने रब के पास जाते हैं और तकफीफ करवाते हैं, 50 से 5 हो जाती है। वो नबी अपनी उम्मत का कितना ख्याल करते थे। तो अगर एहसानात को हम मेयार बनाएं तो उस नबी के हम पर अनगिनत एहसानात है मेरे भाई।